Hello everybody, subscribe to our channel and click on the bell icon to get amazing tips and tricks of Excel from excelsuperstar.org. Hello everybody, मैं हूं ऋषभ आपका एक्सेल दोस्त excelsuperstar.org से. इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऊपर एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे. आइए देखते हैं. आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट है जो है ईमेल आईडीज. इसमें 6 जन के नाम है और मुझे इन ईमेल आईडी से एक अटेंडेंस शीट बनानी है. तो नाम वर्टिकल होना चाहिए और ईमेल नहीं होना चाहिए. तो हमें देखना है कि किस तरह टेक्स्ट टू कॉलम से इस डेटा को अलग अलग करके हम वर्टिकली एक अटेंडेंस शीट बना सकें. बताना चाहूँगा कि हमने पार्ट 1 के वीडियो में एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया था जहाँ पर हमने टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए डिलिमिटेड में जाकर नेक्स्ट प्रेस करके कॉमा को चूज किया था, इसलिए ताकि हम नेक्स्ट में जाके अपना डेस्टिनेशन बदल सके और डेटा अपने आप स्प्लिट होके अलग अलग कॉलम में आ जाए. तो इस केस स्टडी में काफी कुछ सिमिलर है लेकिन कुछ ट्रिक्स भी है. तो आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है. सबसे पहले मैं इस सेल को चूज करता हूं. आप देखोगे हर एक ईमेल आईडी के बाद एक कॉमा है और फिर एक स्पेस है. तो मैं चाहूं तो इस स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकता हूं ताकि आप आसानी से देख पाओ. ऐसा लग रहा है रेल का डब्बा है और ये खत्म ही नहीं हो रहा, राइट? तो आइए देखते हैं इसे कैसे ऑर्गेनाइज करें. जाता हूं डेटा में, टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर, और सोचता हूं कि वो क्या चीज है जो इन सारे ईमेल्स को डिफरेंशिएट कर रही है, अलग अलग कर पाएगी. तो जब मैं डिलिमिटेड चूज करता हूं तब मुझे अपने आप ख्याल आता है कि कॉमा और स्पेस ये दोनों आइटम्स है जो हर ईमेल्स को अलग अलग रखते हैं. तो अगर मैं कहता हूं फिनिश, आप देखोगे ये सारी ईमेल आईडीज अलग अलग सेल में बट के आ गए हैं. और अब मैं इसे करता हूं कॉपी पेस्ट स्पेशल, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और कहता हूं ट्रांसपोज. बहुत ही बढ़िया. तो यहां तक तो पहुंच गए दोस्तों, लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा आइए देखते हैं. मैं इसे कॉपी करता हूं और डेटा यहां पर पेस्ट कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसे कैसे ट्रीट किया जाए. तो एक बार वापस डेटा टेक्स्ट टू कॉलम्स, लेकिन इस बार इस पूरे डेटा में मुझे एट द रेट जहां दिखे उसके बाद का डेटा अलग दिखना चाहिए. सो अदर में जाते हुए मैं चूज करता हूं एट द रेट का साइन और कहता हूं फिनिश. वाओ, ये दो अलग अलग कॉलम में इसकी कोई जरूरत है नहीं. और हम देखेंगे इसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं. सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एच. वापस दिखाता हूं कंट्रोल एच. दोस्तों शॉर्टकट्स बहुत अच्छी चीज है एक्सेल के अंदर. अगर आप खुद मैनुअली करोगे हर चीज़ तो आपको अलग अलग बटन्स में ढूंढना पड़ेगा कि वो फाइन एंड रिप्लेस किधर है, और ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है. तो जैसे जैसे मैं शॉर्टकट की डिस्कस कर रहा हूँ आप उस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें. फिलहाल कंट्रोल एच, फाइंड व्हाट, फुल स्टॉप, रिप्लेस दैट विथ अ स्पेस. अब देखो अगर मैं क्लिक करता हूँ रिप्लेस ऑल, आहा, सारे डॉट्स हट गए और बीच में आ गया एक स्पेस. अब अगर आप चाहो तो कह सकते हो प्रॉपर. ये वो फंक्शन है जो हर सेंटेंस या वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है. तो मैं ब्रैकेट क्लोज करते हुए एंटर करता हूं और ये रहा मेरा नाम जो अटेंडेंस शीट के लिए परफेक्ट है. सो दोस्तों ये था एक छोटा सा एग्जांपल डेटा क्लीनिंग का जहां पर काफी फोकस दिया गया टेक्स्ट टू कॉलम्स के ऊपर. ये था हमारे पार्ट 1 का केस स्टडी. अगले वीडियो में हम टेक्स्ट टू कॉलम्स के और भी वेरिएशन देखेंगे. फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं.